नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। वीके TVS भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विथ वार्म हॉस्पिटलिटी, दालान रिसोर्ट शुक्ला नगर चिकनी सोनकी रोड दरभंगा, अक्रॉस 10 acres, रेस्टोरेंट, बैंकवेट हॉल्स, लॉन्स, पूल। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अग्रवाल परिधान फैशन की नई पहचान, साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। स्कूटी की डिक्की तोड़ अपराधियों ने उड़ाए 1 लाख, जांच में जुटी पुलिस, CCTV में कैद हुई वार्ता। दरभंगा में निकाय चुनाव के मद्देनजर लागू हुई आदर्श आचार संहिता, 18 एवं 28 दिसंबर को होना है मतदान। लैंगिक हिंसा के विरुद्ध रवाना किया गया जागरूकता रथ, जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। अक्षर आंचल योजना अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। और दरभंगा जिले में इलाहाबाद बैंक रिटायर्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन की वार्षिक बैठक का हुआ आयोजन। और समाचार विस्तार के साथ, स्कूटी की डिक्की तोड़ अपराधियों ने उड़ाए 1 लाख, जांच में जुटी पुलिस, CCTV में कैद हुई वारदात। स्कूटी की सीट तोड़कर 1 लाख रुपए सहित कागजातों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र के बेनीपुर बाजार से एक स्कूटी की सीट तोड़कर बैग में रखे 1 लाख रुपए सहित चेकबुक एवं अन्य कागजात लेकर अज्ञात अपराधी भाग निकले। घटना के संबंध में बलहा गांव निवासी आनंद कुमार झा ने बहेड़ा थाने में दर्ज FIR में कहा है कि 29 नवंबर को बेनीपुर स्थित SBI की शाखा से अपने खाते से 1 लाख रुपए की निकासी कर स्कूटी की सीट के अंदर डिक्की में एक बैग में रखा तथा आगे एक होटल में मिठाई लेने के लिए अपनी स्कूटी को बगल में लगा कर गया। जब मिठाई लेकर गाड़ी के पास आया तो देखा कि गाड़ी की सीट उठी हुई है। उन्होंने जब डिक्की को देखा तो उसमें रखे नगद 1 लाख रुपए लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेव पट्टी के नाम से जारी एक चेकबुक, महाविद्यालय के 3 कमरों की चाबी सहित अन्य कागजात थे, वे भी लेकर चोर फरार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मिठाई दुकान में लगे CCTV कैमरे में डिक्की को तोड़ते एवं बैग ले जाते हुए एक अज्ञात व्यक्ति की फुटेज दिखाई दे रही है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने बताया कि FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरभंगा में निकाय चुनाव के मद्देनजर लागू हुई आदर्श आचार संहिता, 18 एवं 28 दिसंबर को होना है मतदान। दरभंगा में नगर निकाय चुनाव को देखते हुए लगी आदर्श आचार संहिता, बाजार समिति शिवधारा होगी खाली, 2 दिसंबर को होगी नोडल अधिकारियों की बैठक। नगर निकाय आम चुनाव की तिथि हुई निर्धारित, 18 को प्रथम एवं 28 दिसंबर को द्वितीय चरण का होगा मतदान, 30 दिसंबर को होगी मतगणना। आदर्श आचार संहिता 30 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के लिए चुनाव संपन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी कर दिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण का मतदान 18 दिसंबर 2022 एवं द्वितीय चरण का मतदान 28 दिसंबर 2022 को संपन्न होगा। इसकी तैयारी के लिए जिला प्रशासन ने सभी नोडल पदाधिकारियों के साथ 2 दिसंबर को बैठक करने की बात कही है। वहीं मतगणना 30 दिसंबर को निर्धारित की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन की ओर से आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी है, जो मतगणना समाप्ति तक रहेगी।
उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को इसके लिए अग्रेतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर को पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार की ओर से निर्गत अधिसूचना में नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के लिए अधिसूचित नगर पालिकाओं का निर्वाचन सम्पन्न कराए जाने का निर्देश संसूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के लिए मतदान 18 दिसंबर 2022 तथा मतगणना 20 दिसंबर 2022 को निर्धारित है। वहीं द्वितीय चरण के लिए मतदान 28 दिसंबर 2022 एवं मतगणना 30 दिसंबर 2022 को निर्धारित है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर मतदान के उपरांत पोल्ड ईवीएम के भंडारण के लिए बजगृह निर्माण एवं मतगणना केंद्र के निर्माण के लिए बाजार समिति शिवधारा दरभंगा को चिन्हित किया गया है। लैंगिक हिंसा के विरुद्ध रवाना किया गया जागरूकता रथ, जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। लैंगिक हिंसा के विरुद्ध रवाना किया गया जागरूकता रथ। दरभंगा के समाहरणालय अवस्थित सभागार के समीप से जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता पखवाड़ा 25 नवंबर से 10 दिसंबर के अवसर पर लैंगिक हिंसा के विरुद्ध जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि लैंगिक हिंसा के विरुद्ध जागरूकता लाने हेतु जागरूकता रथ को दरभंगा जिले के विभिन्न अनुमंडलों में भेजा जा रहा है, जो लैंगिक हिंसा के विरुद्ध लोगों में जागरूकता लाएगी। उल्लेखनीय है कि जागरूकता रथ को सखी वन स्टॉप सेंटर सह महिला हेल्पलाइन दरभंगा द्वारा तैयार करवाया गया है। यह जागरूकता रथ घूम घूम कर लोगों को बताएगा कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत DIR के माध्यम से कानूनी निःशुल्क सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं के साथ हुई किसी भी हिंसा संबंधित शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 181 उपलब्ध है, जिस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरिया सराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। स्कूटी की डिक्की तोड़ अपराधियों ने उड़ाए 1 लाख, जांच में जुटी पुलिस, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दरभंगा में निकाय चुनाव के मद्देनजर लागू हुई आदर्श आचार संहिता, 18 एवं 28 दिसंबर को होना है मतदान। लैंगिक हिंसा के विरुद्ध रवाना किया गया जागरूकता रथ, जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। अक्षर आंचल योजना अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। और दरभंगा जिले में इलाहाबाद बैंक रिटायर्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन की वार्षिक बैठक का हुआ आयोजन। अक्षर आंचल योजना अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। अक्षर आंचल योजना अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता द्वारा प्रेस विज्ञप्ति निर्गत करते हुए कहा गया है कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा में जिले के कार्यरत महादलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा को अक्षर आंचल योजना अंतर्गत 740 शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीम मरकज के 2 बैचों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यालय में विभागीय दिशा निर्देश एवं 7 निश्चय योजना के तहत आर्थिक हल युवाओं का बल कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता द्वारा किया गया, जिसमें जिले के सभी KRP उपस्थित थे। उक्त अवसर पर जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के जिला प्रबंधक द्वारा सभी शिक्षा स्वयं सेवकों को अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं से जोड़कर लाभ लेने हेतु जागृत करने तथा उन्हें जिला निबंधन परामर्श केंद्र भेजने का निर्देश दिया गया। और दरभंगा जिले में इलाहाबाद बैंक रिटायर्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन की वार्षिक बैठक का हुआ आयोजन। दरभंगा जिला में इलाहाबाद बैंक रिटायर्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन की वार्षिक बैठक गोपाल झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के 50 से ज्यादा सदस्य शामिल रहे। बैठक में सेवानिवृत्त साथियों द्वारा उठाए गए निम्न मुद्दों पर चर्चा हुई तथा केंद्रीय सरकार को मांगों की पूर्ति हेतु स्मारक पत्र भी भेजा गया।
पेंशन कॉर्पोरेशन बैंक जमा के ब्याज पर आयकर छूट की वर्तमान सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 करने, आयकर छूट की सीमा 5,00,000 से बढ़ाकर 10,00,000 करने, वर्तमान आयुष्मान भारत योजना की सुविधा सभी वरिष्ठ नागरिक को सपरिवार दिए जाने, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाली GST की दर में छूट समेत कई मांगें शामिल थीं। इस मौके पर गोपाल झा, अहमद हुसैन, कैसर आला, मंजार अहमद हाशमी, ब्रिज बिहारी महतो, अशोक कुमार झा, संतोष कुमार झा, रामाशंकर चौधरी, सुधीर कुमार चौधरी, DM महतो, ब्रजेश्वर शरण, RP पूर्वे के अलावा दर्जनों लोग मौजूद थे। आप जानते हैं कि खास करके स्पेशली इन बैंक केसेस मैं आपको बताऊं कि रिटायर्ड में हम लोग का पेंशन वो एट पार नहीं होता है जो जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी लोग होते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है ये होना, नहीं तो मूवमेंट में भी दिक्कत होगी आपको, कहीं जाने आने में, मेडिकल पर्पस से ही कहीं जाने आने में आपको दिक्कत होगी, तो ये बढ़ना चाहिए, होना चाहिए। सर, जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसे देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप जैसे रिटायर्ड लोगों पर क्यों ध्यान दे सरकार? नहीं, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम लोग इसलिए दे रहे हैं, हम लोग ये डिमांड दे रहे हैं कि जहां एक तरफ जो भारत सरकार में जो भी अर्थव्यवस्था है उसमें जितना हम लोग शेयर कर रहे हैं रिटायरमेंट होने के बाद भी, वो आपको शायद पता होगा कि अभी भी, जैसे मैं आपको बताऊं कि रिटायर होने के बाद भी मैं मोर देन 60,000 इनकम टैक्स अभी भी साल में पे करता हूं। तो वो जो भी इनकम टैक्स हम लोग पे करते हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में, ये तो मैं सिंगल बात अपनी बात बता रहा हूं, ऐसे इतने जो लाखों पेंशन धारक हैं बैंक के या और भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन सबका भी जाता होगा। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियसली साथ साथ हम लोग उसमें भी आपको ऐड कर रहे हैं, उसमें जो भी आपके नियम है वो मैं ऐड कर रहा हूँ, इधर भी मेरा डिमांड है कि ये भी आप करें। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गोपाल झा, मैं रिटायर्ड सहायक महाप्रबंधक हूँ इलाहाबाद बैंक का। धन्यवाद, बस, थैंक यू। उसमें हम लोग का पेंशन फंड भी इंक्लूडेड है, जिसमें बहुत सी राशि जमा है, सरकार उसको इन्वेस्ट करती है और उस पर भी इनकम लेती है। हम लोग के पेंशन फंड जो हमारा है वो भी सरकार के पास ही जमा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अहमद हुसैन है। आप लोगों का बहुत सारा पेंशन जो है, जैसा अभी आपने कहा है, सरकार के पास जमा है, न्यू पेंशन पॉलिसी ला रही है, और सरकार ये की नीयत एकदम खराब है कि आपके भी पेंशन को वो खा जाए। आपको लगता है कि सरकार आपके प्रति ईमानदार है? नहीं, ऐसी तो उम्मीद है मैं नहीं करता हूँ कि पेंशन खा जाएगी, क्योंकि तब तो सरकार ही कोलैप्स करने की बात होगी। अगर हमारा पेंशन जो सरकार का पैसा नहीं है, हमारा पेंशन फंड में जमा है, उसको भी अगर सरकार खा जाए तब तो ये अलग बात है। आपको विश्वास है? नहीं, ऐसा विश्वास नहीं है। आप जो पेंशन फंड हम लोगों के द्वारा जो नौकरी के दौरान जो हम लोग जमा किए और वो किसी बैंक के अधीन है और सरकार उसका लाभांश लेती है, तो उस लाभांश का जो कुछ अंश योगदान है वो हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिले, ये हमारा मुख्य मांग हुआ है ना, क्योंकि हमारे ही फंड से सरकार उसका लाभांश कमाती है या लेती है और उसका खर्च कहीं दूसरे जगह करती है और हम लोगों पर ध्यान नहीं देती है। क्या नाम है? अशोक कुमार झा। ये थे अब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस। स्कूटी की डिक्की तोड़ अपराधियों ने उड़ाए 1,00,000, जांच में जुटी पुलिस, CCTV में कैद हुई वारदात। दरभंगा में निकाय चुनाव के मद्देनजर लागू हुई आदर्श आचार संहिता, 18 एवं 28 दिसंबर को होना है मतदान। लैंगिक हिंसा के विरुद्ध रवाना किया गया जागरूकता रथ, जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। अक्षर आंचल योजना अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। और दरभंगा जिले में इलाहाबाद बैंक रिटायर्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन की वार्षिक बैठक का हुआ आयोजन।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।